जय श्री शंभु। नमस्कार। अभी मैं बैठे हूँ हरियाणा का कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल में बैठे हुए हैं। मेरा साथ अभी जो मौजूद हैं वो इस गुरुकुल का एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनका साथ अभी हम कुछ कम से कम लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास हो गया है। हम यहाँ पे भोजन भी किया है, सर ने मेरे को हमारा पूरा टीम को भोजन की व्यवस्था किया है। तो 2 घंटे तक हम काफ़ी सारी डिस्कस किया है प्राकृतिक खेती के ऊपर कि किस तरीके से इसको हम लोग कर पाएंगे, किसान को लागत कैसे लाएगा, किसान को प्रॉफिट किस तरीके से हो पाएगा। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि सर के भी जो ह्यूज नॉलेज है उनमें से मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा 2 शब्द बताइए कि ये प्राकृतिक खेती है क्या है और इसमें किसानों को किस तरीके से लाभ हो पाएगा। सिर्फ यही 2 टॉपिक्स मैं जानना चाहता हूँ जी। किसान बंधु नमस्कार। सबसे पहले मैं कोले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस परिसर में आए, आपका मैं अभिनंदन भी करता हूँ। इस समय आप जहाँ पे इस समय बैठे हैं ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र है और इस गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो है 180 एकड़ की प्राकृतिक कृषि फार्म है और उस फार्म पर हमारे जो परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी राज्यपाल गुजरात, उनके गाइडेंस में प्राकृतिक खेती हो रही है। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि प्राकृतिक कृषि क्या है, प्राकृतिक खेती क्या होती है कि इस प्रकृति से कम छेड़छाड़ करके खेती करना प्राकृतिक खेती कहलाता है। प्राकृतिक खेती का दूसरा नाम जीवाणुओं की खेती है, जीवाणुओं की खेती है। तो इसमें जीवाणु मिट्टी में भरपूर मात्रा में होते हैं, तो फिर वही जीवाणु जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के लेकर पौधे को देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी में जमीन में हमें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। किसान बंधु आपको जानकर एक सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि एक जो पौधा है वो जमीन से मात्र 2% ही पोषक तत्व लेता है, 2%, 98% पोषक तत्व उसको वातावरण से लेने होते हैं, तो जमीन में कुछ डालने की जरूरत नहीं। तो मैं किसान बंधु से अनुरोध करूँगा कि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक कृषि फार्म पर आएँ और हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी, उनके लेक्चर यूट्यूब पे हैं, उनको सुने, प्राकृतिक खेती सीखें और निस्संदेह आप बिल्कुल नाम मात्र के खर्चे पे आप प्राकृतिक खेती करके अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। ये प्राकृतिक खेती देसी गाय को बचाती है, किसान को बचाती है, वातावरण को बचाती है, ये भूमि को बंजर होने से बचाती है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे स्वास्थ्य को ये बचाती है, क्योंकि इसे उत्पादित अन्न अगर हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी जो डिस्कस किया है, ये जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ये 1912 साल में स्थापित हुआ है, तो अब सभी को पता चला है कि कितना पुराने हैं, मतलब भारतवर्ष स्वाधीनता होने से पहले ही ये जो कुरुक्षेत्र में जो गुरुकुल है स्थापित हुआ है। और यहाँ पे जो अभी जो इंचार्ज के रूप में काम करता है या दायित्व तो लिया है वो है आचार्य देवव्रत जी, जो महामहिम है अभी गुजरात का। तो उन्होंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लाया है वो उन्हीं का ही दान है। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल का ही दान है। जी जी जी, हमारे आचार्य श्री देवव्रत जी माननीय गवर्नर गुजरात है, उन्हीं का ही एक तरह से ये सूत्रधार इस प्राकृतिक खेती के हैं और वही इस गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पैटर्न भी है, संरक्षक हैं। इस गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लगभग 1500 बच्चे 19 स्टेट के पढ़ते हैं, 1500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और हमारे रिजल्ट यहाँ के भी A1 रहते हैं, सब मेरिट में रहते हैं। और दूसरा, आज हमारे आचार्य श्री का जो मेन मिशन बना हुआ है वो है प्राकृतिक खेती, कि देश के किसान को कैसे बचाएं, इस देश को स्वास्थ्य को कैसे बचाएं, तो इसका मिशन पूरे भारत में उन्होंने चलाया हुआ है और जिसका समर्थन जो है हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री श्री हैं उनका भी उनको समर्थन मिला हुआ है और सब ये एक तरह से मिशन पूरे देश में चला रखे हैं। तो आप कोलकाता से आए हैं और आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन कि आप भी किसानों के प्रति जो एक सहानुभूति रखते हैं, एक धरती माता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, एक वातावरण के प्रति सहानुभूति रखते हैं, कि सब हम मिलकर एक टीम के माध्यम से हम इन सब समस्याओं से प्राकृतिक खेती के माध्यम से कैसे हम इससे निपट पाएँ, कैसे इसके समाधान ढूंढ पाएँ। तो आपका ये जो मैं एक उत्साह देखकर, आपका जो चिंतन देखकर मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सर से जो बात हुआ है यहाँ पे जितना जल्दी हो पाएगा 10 से 20 हमारा वहाँ से जो किसान है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ आके पूरी एकदम अच्छे तरीके से 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग लेके उन्होंने मस्टर्ड ट्रेन बना के
मस्टर्ड ट्रेनर बन के वहाँ पे जाएगा, उसको शुरू करेंगे। और सर से जो बात हुआ है कि जितना जल्दी हो पाएगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम में, आचार्य दिब्बत जी को, महामहिम गुजरात को और सर को हम कलकत्ता आने के लिए आमंत्रण किया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। प्रोसेसिंग में जो भी टाइम लगेगा आएगा, तो आइए पूरा धरती को, पूरा देश को, पूरा सभी जो हमारा देशवासी सबको बचाने के लिए प्राकृतिक खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम सभी को एक ही नारा होना चाहिए, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती। जय श्री शंभू, नमस्कार।